नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम UPBE 2022 के कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये पेपर जो है आप अगर देखेंगे आंसर की आने के बाद आपको अगर चैलेंज करना होता है तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर आपको मिलते हैं। तो किसी स्टूडेंट ने जो है ये पूरा का पूरा पेपर जो है स्क्रीन शॉट लेके रख लिया था तो उसी ने भेजा था। तो जैसे कि हमने जब कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हुआ था इंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उस समय कुछ क्वेश्चन जो मिले थे उनको वन लाइनर के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया था चैनल के माध्यम से। लेकिन हमने सोचा कि आप लोगों को पेपर मिल ही गया है तो पूरा पूरा 50 क्वेश्चन का जो है आंसर और ऑप्शनल ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दिए गए थे और आंसर की जो आयोग के द्वारा माना गया है उनके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता दिया जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक यानी 50 क्वेश्चन जो है UPBE एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है एग्रीकल्चर कराते हैं। आप अगर किसी भी स्ट्रीम से दे रहे हैं एग्रीकल्चर वाले हैं तो एग्रीकल्चर 50 क्वेश्चन रहेंगे, आर्ट वाले रहेंगे तो आर्ट से संबंधित 50 क्वेश्चन उनके रहेंगे, और यहीं पर साइंस बायो से रहेंगे तो मैथ्स हैं तो उनका उस हिसाब से उन टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस इन लेट्यूसेस, लेट्यूस में किस प्रकार का पुष्प समूह जो है वो पाया जाता है। चार ऑप्शन जो है दिए गए थे, स्पेडिकस, पेनिकल, हेड एंड कैटकिन। तो चार ऑप्शन इस तरीके से थे और इनमें कौन सा राइट आंसर होगा। लेट्यूस में जो है पुष्प समूह जो है किस प्रकार पाया जाता है, हेड टाइप का। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 51 में सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेड स्लेटराइट, इनमें में से कौन सा सिर का स्क्लेराइट नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए, ग्रेना, एपी मेरोन एंड सी है फ्रॉन्स एंड डी वर्टवेक्स। तो चार ऑप्शन इसमें हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। तो राइट आंसर जो है इसमें बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें में से पूछा है कौन सा स्क्लेराइट नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर बी में सॉरी क्वेश्चन नंबर 52 में बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। एपी मेरोन जो है वो स्क्लेराइट नहीं है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ आर्टिकुलेशन ऑफ विंग्स, निम्नलिखित में से कौन सा पंखों के जोड़ से संबंधित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रोकेंटर, फ्रैगमेंटा, ट्रेगुला, स्कूटम। तो चार ऑप्शन इनमें में से कौन सा होगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 53 में राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, टेगुला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 53 में राइट आंसर कौन सा है, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है कि सॉयल सो प्लास्टिसिटी, तो क्वेश्चन नंबर 44 में हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है, द ड्रॉट एनिमल कैन एग्जर्ट एवरेज फोर्स अप्रोक्सीमेटली, पशु औसत बल लगा सकता है लगभग कितना, उनके शरीर के वजन का 1/10 भाग, उनके शरीर के वजन का 1/5 भाग, और सी ऑप्शन है उनके शरीर के वजन का 1/15 भाग, डी है उनके वजन का 1/7 भाग। तो पशु औसत बल लगा सकता है अगर बात की जाए तो 1/10 का, तो 1/10 ऑफ दियर बॉडी वेट। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 55 में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, उनके शरीर के वजन का 1/10 भाग। जो क्वेश्चन है कि ब्रॉस इज द एलाव ऑफ पीटल जो है उसमें मिश्रधातु जो है वो कितने परसेंटेज पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज के बारे में यहाँ पे मैच कराना है, कितना परसेंट कॉम्बिनेशन जो है मिश्रधातु में पीटल के मिश्रधातु में होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉपर और जेडियन दो तत्व जो है मिलकर पीतल बनाते हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज क्या होती है मिश्रधातु के रूप में। तो राइट आंसर क्या होगा, चार ऑप्शन है, सीयू 60-70%, जेडियन 30-40%, बी है कॉपर 50-60%, जेडियन है 40-50%, सी है कॉपर 80-90% एंड जेडियन है 10-20%, एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 56 में अगर हम बात करें तो राइट आंसर जो दिया गया है आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, कॉपर 60% से 70% एंड जेडियन जो है 30-40% होता है मिश्रधातु में, तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 56 में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है कि उपयुक्त उड़न फ्लोक्यूलेशन क्रम जो है वो क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, AL, CA एंड HMG, KN, N। तो इस तरीके से चारों ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर होगा,
फ्लोकुलेशन ऑर्डर इज अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 में ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। आयोग के माध्यम से भी जो माना गया है, आयोग ने जो ऑफिशियल आंसर की दी थी उसमें ए वाला ऑप्शन जो है उन्होंने सही माना है। ठीक है, तो आयोग के द्वारा जो आंसर की में माना गया है उसी को हम लोग बता रहे हैं। जो भी क्वेश्चन अगर आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है कि वाइट मस्कार्डिन रोग जो है वो किसके कारण होता है। डिजीज इज कज़्ड बाय, चार ऑप्शन जो है मेट्रीजियम एनिसोपली, एंड बी है नोसमिया प्रजात, एंड सी है ब्यूवेरिया बेसियाना, एंड डी है ग्रेनुलोमिस वायरस। चार ऑप्शन जो है इस तरीके से दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 58 में राइट आंसर जो है सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ब्यूवेरिया बेसियाना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 में कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन जो दिया गया ब्यूवेरिया बेसियाना। सफ़ेद मस्कार्डिन रोग जो है वो किसके कारण होता है, ब्यूवेरिया बेसियाना के कारण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सिल्वर सूट इज कज़्ड बाय, सिल्वर सूट जो है राइस में ये लगता है, तो ये हो गया आपका राइस फील्ड में लगेगा पहला। और ये सिल्वर सूट किसके कारण होता है, तो गाल मिर्च के द्वारा। ठीक है, जिसे सिल्वर सूट के नाम से भी जाना जाता है, शुगर सूट के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 में राइट आंसर जो है डी वाला ऑप्शन जो दिए गए है राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि चैफी अपीयरेंस इन द पैडी इज कज़्ड ऑन व्हिच पार्ट ऑफ प्लांट, तो धान में चर्फी जो उपस्थित होती है पौधे के किस भाग पर होती है, जड़ों पर, टीलर पर, पुष्प पर, कान पर। आपने देखा होगा राइस के फील्ड में जो बालियाँ होती हैं वाइट हो जाती हैं और पूरी बालियाँ जो हैं वाइट रहती हैं, उसमें कुछ दाने नहीं बनते हैं। तो वही यहाँ पर पूछा जाता है, धान में चर्फी उपस्थित जो है पौधे के किस भाग पर होती है, टीलर्स पे जो होते हैं वो होता है। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 60 बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जो राइस की टीलर्स होती हैं फ्लावर की, वहाँ पे ये सिम्टम्स जो हैं वो कज़्ड पार्ट ऑफ प्लांट पे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है कि एजोला इज यूज एज बायो फर्टिलाइजर एज इट हैज, एजोला का जैव उर्वरक रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनमें राइजोबियम साइनोबैक्टीरियम सहजीवी संबंध बड़ी मात्रा में ह्यूमस होता है। चार ऑप्शन जो है इस प्रकार से दिए गए, राइजोबियम साइनोबैक्टीरियम माइकोराइजा एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ ह्यूमस। तो क्वेश्चन नंबर 61 में राइट आंसर जो होगा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, साइनोबैक्टीरिया, तो बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 62 है कि द गोल्डन राइस वेराइटी इज रिच इन, गोल्डन राइस किस में समृद्ध है। ये काफ़ी बार हमने आपको जब देखा होगा, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया गया था तो वहाँ पे ये बताया गया है, काफ़ी बार हमने क्वेश्चन जो है शामिल किया हुआ है। तो द गोल्डन राइस वेराइटी इज राइस बी कैरोटीन प्रोविटामिन ए, तो गोल्डन राइस में जो रिच मात्रा में पाया जाता है, समृद्ध होता है विटामिन ए के लिए प्रोविटामिन, जिसे बीटा कैरोटीन के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर जो है बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टू बी प्रोड्यूस इज, उत्पादित होने वाला पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा है। कॉटन हो जाएगा, सभी लोगों को मालूम है टोबैको। तो क्वेश्चन नंबर 63 में कौन सा बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़े हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो है 64 है कि समग्र ग्राम सर्विस प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, समग्र ग्राम सेवा परियोजना से संबंधित कौन है। महात्मा गांधी हो जाएंगे बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ आईसीआर इन इनिशियल ईयर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, तो यहाँ पे पूछा गया है। आप अगर अरुण का अध्ययन की फर्स्ट पेज पे ही सेकंड पेज पे देखेंगे तो ये हमने जो अगर चैनल पे देखेंगे अरुण का अध्ययन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन बताया गया है। और काफ़ी बार ये जो क्वेश्चन आपके कंपिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अपनी स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में आईसीएआर का नाम क्या था, इम्पीरियल था। सीधे से आपको अगर याद होगा देखे होंगे तो अरुण का अध्ययन डायरेक्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आईसीआर का इम्पीरियल जो है ये 1946-47 में जो है चेंज करके इंडियन कर दिया गया था,
तो यहाँ पे जो है राइट आंसर जो है हो जाएगा इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। तो राइट आंसर जो है बी वाला ऑप्शन जो दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है कि द बॉटेनिकल नेम ऑफ सा फ्लावर यानी कुसुम का वनस्पतिक नाम क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कार्थमस टिंटोरियस, ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स जो है सभी लोग मालूम होगा लगभग लगभग सोयाबीन की है, तो ये तो होगा नहीं। एलिएंथस एनस हो गया, इनमें में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 66 में राइट आंसर हो जो है वो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, कार्थमस टिंटोरियस, ठीक है। तो कुसुम का वनस्पति का नाम जो है ए वाला ऑप्शन जो दिया गया था राइट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 67 है कि ट्यूबर सेलेक्ट फॉर पोटैटो सोइंग शुड हैव एटलीस्ट 3 बड्स। तो जो भी आप अगर पोटैटो को सोइंग के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं ट्यूबर को, उसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 3 बड्स तो होना ही चाहिए, कम से कम 3 कलियाँ, 2.5 से 3 सेमी डायमीटर का होना चाहिए, ये भी सही है, विथ 25 to 30 ग्राम वेट, ये भी। तो उपयुक्त सभी जो है इसमें राइट आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मैंगो इज़ आल्सो नोन एज बाथरूम फ्रूट, तो ये भी राइट आंसर है। नेशनल फ्रूट, ये भी राइट आंसर है। किंग ऑफ फ्रूट, ये भी राइट आंसर है। फ्रूट्स के राजा जो है वो मैंगो कहा जाता है, नेशनल फ्रूट भी है, बाथरूम फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 68 में ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कि मैंगो मालफेन्वेंशन कैन बी मैनेज बाई स्प्रेइंग ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर 69 में अगर हम बात करें तो डी वाला ऑप्शन जो है 240 हो जाएगा। तो इसमें में से 240 मैंगो मालफेन्वेंशन को मैनेज करने के लिए स्प्रे किया जाता है। तो राइट आंसर डी वाला ऑप्शन जो है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 था कि बीटी कॉटन प्लांट हैव बीन जेनेटिकली इंजर्ड बाय इंसर्टिंग ए जीन फ्रॉम, थोड़ा ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेने की वजह से सही से नहीं मिल पाया है, लेकिन तब भी क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि बीटी कपास पौधे को आनुवंशिक रूप से परिवर्तन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन है, विषाणु का, जीवाणु का, कीट का और प्लांट का। तो यहाँ पे हाँ इंग्लिश में जो है दिया गया है प्लांट। तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 70 में बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, बैक्टीरिया का प्रयोग जो है, बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है बीटी कार्टन के रूप में। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 70 में बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरियम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ पिजन पी इज, यानी अरहर की विश्व में सर्वप्रथम पहली संकर किस्म वैरायटी कौन सी थी। चार ऑप्शन है, ICPH8, ICPS9, PPH4 एंड IPS9। अरुण का अध्ययन का लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया था ICPH। तो ये सभी जो क्वेश्चन है ICPH8 जो है वो वर्ल्ड की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है पिजन पी के। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 71 में ए वाला हो जाएगा। इसके बाद है लैक्टोज इज कंपोज ऑफ विच टू शुगर्स, लैक्टोज किन दो शर्कराओं से मिलकर बनता है। चार ऑप्शन है, ग्लूकोज और ग्लूकोज। तो ये तो ऑप्शन जिन्होंने ट्रिक लगाया था ये तो गलत है। दूसरा जो है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जो है ये किस में पाया जाता है, फ्रूट में पाया जाता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन है फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, तो यहाँ पे फ्रक्टोज है तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये फ्रूट में पाया जाता है। जो आपका ऑप्शन बच रहा है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 72 में राइट आंसर जो है 72 में सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज होगा, ठीक है। फ्रक्टोज वाला तो होगा नहीं, यहाँ पे भी फ्रक्टोज है और ग्लूकोज ग्लूकोज ये भी नहीं होगा। तो बचता है आपका ऑप्शन सी वाला, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम रिक्वायर ए गुड स्टैटिकल एनालिसिस इज, स्वतंत्रता की न्यूनतम डिग्री के लिए एक अच्छे सांख्यिकी विश्लेषण की आवश्यकता क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 73 में तो सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा, आयोग के द्वारा भी माना गया है यही। अगला जो क्वेश्चन है कि मोस्ट सुटेबल स्पेसिस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिकेट बैट इज, क्रिकेट के बल्ले को बनाने के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी है। अगर आपने स्टैंड हॉर्टिकल्चर पढ़ा होगा तो वहाँ पर ये दिया गया है सैलिक्स अलवा, ठीक है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 74 में बी वाला ऑप्शन जो है सैलिक्स अलवा के द्वारा क्रिकेट बल्ला बनाने के लिए उपयुक्त है। तो राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 75 कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप इज लोकेटेड एट बॉम्बे, देहरादून, कानपुर, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 75 की बात की जाए तो बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में। RI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो देहरादून में है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO इज लोकेटेड एट रोम, इटली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी आपको रटा रटाया होना चाहिए। तो खाद्य एवं कृषि संगठन जो है वो रोम, इटली में है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि खैरा डिजीज ऑफ फ्लाइज कैन बी कंट्रोल बाय स्प्रेइंग, तो किसके छिड़काव करने से धान में खैरा बीमारी की रोकथाम की जा सकती है? अगर ये सब ही जो है, अगर फिल्म में जो चैनल पे अपलोड किए गए थे, प्लेलिस्ट बना हुआ है अरुण कैतन, ये सभी अगर जिन्होंने भी देखा होगा, उनका लगभग लगभग 50 में से 40 प्लस जो है वो आराम से क्वेश्चन सही करके आ सकते थे वहाँ पे। तो खैरा डिजीज ऑफ राइस कैन बी कंट्रोल बाय स्प्रेइंग जिंक सल्फेट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन भी से भी आप मैच करा सकते हैं। खैरा डिजीज जो है वो जिंक डिफिशियंसी के कारण होता है, तो आप किसकी प्रयोग करेंगे? जिंक का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ तीनों ऑप्शन में जिंक का कोई नाम नहीं है, तो आपको यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में जिंक सल्फेट दिया गया, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछा जा रहा है, एक सेकंड। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज लोकेटेड है चेन्नई, न्यू दिल्ली, नागपुर, गुड़गांव। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है वो कहाँ पे है, इसके बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन प्रश्न में, तो चेन्नई में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 78 में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, चेन्नई। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPSET इज लोकेटेड एट, अगर आपने अरुण कात्यान के फुल फॉर्म वाला जो लिस्ट दिया गया था, फुल फॉर्म के बारे में, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, इन सभी के बारे में, तो वहाँ पे इसके बारे में जिक्र किया हुआ है CIPSET के बारे में, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना में, तो राइट आंसर जो है सी वाला हो जाएगा, पंजाब लुधियाना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 79 सी वाला ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल इज फिक्स वाई, तो मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है वो किसके द्वारा नियत किया जाता है या फिक्स किया जाता है? सभी लोगों को मालूम है दलहनी फसल जो है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो है सॉइल में फिक्स करती हैं, तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 80 में बी वाला ऑप्शन जो है हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 हो गया 81 से, तो क्वेश्चन नंबर 81 था कि शॉर्ट टर्म लोन मेनली गिवन फॉर द पर्पज ऑफ, अल्पावधि ऋण जो है मुख्य रूप से किसकी खरीद के लिए दिया जाता है? पंप सेट के लिए, बीज के लिए, भारी मशीन, बैल के लिए, तो राइट आंसर जो है बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सीड्स के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म का लोन जो है वो सीड के खरीदारी के लिए जो है, या खाद खरीदारी के लिए, फर्टिलाइजर हुए, उनकी खरीदारी के लिए अल्पावधि ऋण जो है मुख्य रूप से दिया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ये द टर्म पेडोगॉजी लिटरली मीन, शिक्षा साथ पेडोगॉजी का शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बच्चे सीख रहे हैं, वयस्क सीख रहे हैं, तो सी ऑप्शन जो है ए और बी दोनों हैं, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 82 में राइट आंसर जो है सी वाला ऑप्शन है, ए एंड बी, जो कि आयोग के द्वारा भी माना गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि जेम्स स्टुअर्ट जुड़े हुए हैं प्रसार शिक्षा से, राइट आंसर है विश्वविद्यालय शिक्षा से, राइट आंसर है सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है कि हु इज द फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया, यहाँ पे बात की जा रही इंडिया के एक्सटेंशन फादर जो है वो कौन है, भारत में प्रसार का जनक कौन है, किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन जो दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 84 में सी वाला ऑप्शन दिए गए हैं, के एन सिंह जो है वो एक्सटेंशन के फादर हैं इंडिया में, तो राइट आंसर जो है सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। वर्ल्ड की बात की जाए कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसके बारे में भी बताया गया है एक्सटेंशन के वीडियो में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बैक्टीरियल रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रिफिकेशन इज आइसोलेटेड बाई विनो ग्रेडास्की, बेजनिरकिया, रुइनेन, हिल्टनर, तो यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया किसके द्वारा पृथक किया गया था? चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, विनोग्रेडॉक्सी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रिफिकेशन आइसोलेटेड बाई विनोग्रेडॉक्सकी।
ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है कि द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जनरेशन ऑफ राइस सीड। तो यहाँ पे अगर ऑप्टिमल धान के बीज को जमाव के लिए इष्टतम तापमान की आवश्यकता क्या होगी, तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन में जो दिए गए हैं 18 से 20% और सॉरी 20 अंश सेंटीग्रेड, ये गलत है। 37 से 39 अंश सेंटीग्रेड, ये भी गलत है। और 20 से 22 अंश सेंटीग्रेड, ये भी गलत है। जो ऑन एवरेज होता है 25 से 35 अंश सेंटीग्रेड के करीब होता है, जो कि आपकी किताबों में दिया हुआ है। तो 25 से 35 अंश सेंटीग्रेड आइडियल टेम्परेचर होता है। तो राइट आंसर जो होगा उसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 86 में सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 87, जिसमें था द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोइंग इंटर क्रॉप्स विथ मेन फ्रूट क्रॉप्स इज, फलदार फसलों में अंतर फसलें उगाने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? फलदार फसलों की अच्छी बढ़ावा में मदद करना, मृदा उर्वरता में सुधार करना, मृदा क्षरण रोकना, अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करना। तो राइट आंसर जो हो जाएगा कि गेट एडिशनल इनकम हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 87 में डी वाला ऑप्शन जो है अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करने के लिए होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है कि व्हिच कैन बी सुटेबल ग्रो एज ए मिक्स्ड क्रॉप विथ व्हीट। तो ये भी आप अरुण कात्यायन में देखें, वहीं पे डायरेक्ट क्वेश्चन अरुण कात्यायन से ही आपके बीएड के मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो बीएड के वो अरुण कात्यायन बुक से ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सरसों 9:1 का रेशियो जो है राइस एंड सॉरी व्हीट एंड राई का रखा जाता है। व्हीट एंड राई का रेशियो जो है वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 9:1 का रेशियो। 9:1 का रेशियो, ये रेशियो भी आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे बात की जाए गेहूँ के साथ कौन सी फसल को मिश्रित खेती उपयुक्त प्रकार से की जा सकती है, सरसों की, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइटोनिंग इज, इंग्लिश में थोड़ा ये समझ में आ रहा है, समान रूप से इनमें पेड़ी या मुड़बी का प्रचलन है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, शुगर बीट एंड शुगर केन, गन्ना और मक्का यानी शुगर केन एंड मेज, गन्ना और नेपियर घास, शुगर केन एंड नेपियर ग्रास एंड शुगर केन ओनली। तो यहाँ पे बात की जाए रेटोनिंग, रेटोनिंग जो है पेड़ी जिसे रखना कहा जाता है, तो आप देखेंगे नेपियर ग्रास जो है इसमें भी होता है और शुगर केन जो है वो तो आप लोग को मालूम ही है। तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 89 में सी वाला ऑप्शन जो दिया गया है वही राइट आंसर हो जाएगा कि शुगर केन एंड नेपियर ग्रास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 90 है कि बोर्डेक्स मिक्सर वाज फर्स्ट प्रिपेयर बाय, तो राइट आंसर जो है प्रोफेसर मिलार्ड। ये भी हमने क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कराया था उसमें बताया था बोर्डो मिक्सर सबसे पहले किसके द्वारा तैयार किया गया था, मिलार्ड द्वारा। ये पीजीटी के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पूछा ही गया है, यूपी कैटेट में भी पूछा गया था। तो बोर्डो मिक्सर जो है सर्वप्रथम प्रोफेसर मिलार्डर ने खोजा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि खैरा डिजीज ऑफ राइस इज कजेड बाई, जिंक की डिफिशियंसी के कारण होता है, राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 91 में हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फाउंडेशन सीड इज प्रोड्यूस फ्रॉम, ये हमने क्वेश्चन जो है टेलीग्राम ग्रुप में पेपर होने से 3 से 4 दिन पहले ही ग्रुप में डाला था और ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूरा का पूरा था, डायरेक्ट का डायरेक्ट ये क्वेश्चन टेलीग्राम में जो पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर यूपी बीएड में पूछ लिया गया था। और जिन्होंने अगर टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं और उन्होंने क्वेश्चन को देखा रहा होगा तो वो तो इनका क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 92 में फाउंडेशन सीड इज प्रोड्यूस बाय ब्रीडर सीड, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है कि इन ए स्टैटिक्स कंपेरिजन ऑफ टू पॉपुलेशन कैन बी डन थ्रॉट, सांख्यिकी में दो आंकड़ों की तुलना के द्वारा की जा सकती है, विविधताओं का गुणांक द्वारा श्रेणी मानव विचलन। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 93 में बी वाला ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज मोस्ट सूटेड फॉर कंपेनियन क्रॉप विथ पॉपुलर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय एवं सहयोगी फसल के रूप में उपयुक्त है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 में अगर बात करें ए वाला ऑप्शन अदरक हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ग्रेनिंग इन पोटैटोज ड्यू टू, आलू में ग्रेनिंग किसके कारण होता है? अत्यधिक तापमान के कारण, हाई टेम्परेचर, गलत हो जाएगा, हाई लाइट इंटेंसिटी, तो राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, हाई प्रकाश जो है सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट अगर आलू पर पड़ती है, आलू देखते होंगे वो हरा ग्रीन कलर का हो जाता है, तो ये जो है सोलेनिन जो है उसमें पाया जाता है आलू में, जो ग्रीन कलर का हो जाता है, तो आलू में ग्रीनिंग जो है वो अधिक प्रकाश तीव्रता के कारण होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पंजेंसी इज ऑनियन इज ड्यू टू, प्याज में तीखापन का कारण क्या है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 96 में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। डाई एलाइल डाइसल्फाइड जो है ये किसका हो जाएगा? ऑनियन गार्लिक का हो जाएगा, यानी इसके अलावा कैप्सिकम जो है ये चिली की हो जाएगी। तो ये तीनों हो गए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये महत्वपूर्ण है और ये पूछे जाते रहते हैं, तीनों को याद रखना है। तो ऑनियन की पंजेंसी का कारण जो है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स एडवेंटिशियस रूट और प्रेजेंट, तो किस फसल में एडवेंटिशियस जड़ें जो है वो पाई जाती है? शकरकंद में, राइट आंसर जो है स्वीट पोटैटो हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 97 में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो है 98 में है, कौन सी फसल सूखा प्रतिरोधी है? शकरकंद, भिंडी, फूल गोभी, आलू, भिंडी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 हो गया, इसके बाद है 99, इनमें से कौन सी जीन सब्जियों के रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो प्रदान करती है? क्वेश्चन नंबर 99 में ए वाला ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज गैमेटोसाइड फॉर कॉमन ओनियन, तो GA3, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से किसका प्रयोग प्याज में गैमेटोसाइड के रूप में लिया जाता है? चार ऑप्शन है, GA3, IAA, इंडोल एस्टिक एसिड, NAA, NT है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 100 में ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल का टोटल 50 क्वेश्चन जो कि आपके UPBED एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 में पूछे गए हैं, उनको इस वीडियो में हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट जो है जल्द ही हम लोग एक सीरीज़ फिर से शुरू कर रहे हैं TGT PGT की, जो कम्पिटेटिव एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनको सॉल्व कराया जाएगा। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए जाते हैं, PDF प्रोवाइड कराया जाता है, वो सभी आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दीजिएगा, तो वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या चैनल की अबाउट में जाके वहाँ पे टेलीग्राम का सिंबल दिख रहा होगा उस पर क्लिक करेंगे तो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो पे यहीं पिन करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल दी बेस्ट।